हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों जानना चाहते थे, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही नॉलेजबल वीडियो होने वाली है। और वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों फ्यूज़न वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग जो होती है हमारी वो एक ही होती है, ठीक है। तो फ्यूज़न वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग के बारे में डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, अगर आपको कहीं नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इस विधि में जो फ्यूज़न वेल्डिंग है, इस विधि में जोड़े जाने वाले पार्टों के किनारों को गर्म करके उनके गलनांक तक के पहुंचाया जाता है, उनके गलनांक की अवस्था तक जो है पहुंचाया जाता है जो पार्ट हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जब जो उनके किनारे हैं पिघलना शुरू कर देते हैं तो जोड़ यानी जॉइंट की खाली जगह पर फिलर मेटल भरा जाता है। फिलर मेटल दोस्तों आपका इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड को उसमें भरा जाता है, ठीक है, जो वेल्डिंग रोड से प्राप्त होती है। फिलर मेटल को वेल्डिंग रोड भी कहते हैं, वेल्डिंग रोड से जो हमें प्राप्त होती है, ठीक है। मुख्य धातु तथा फिलर धातु को पिघलाने के लिए ऑक्सीएसिटिलीन यानी गैस वेल्डिंग या इलेक्ट्रिक आर्क यानी दोस्तों आर्क वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जोड़ को पिघलाने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीएसिटिलीन या इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, आगे दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जब जब पिघली हुई धातु आपस में पूर्णतः मिल जाती है तो ठंडा होने पर जॉइंट पक्का हो जाता है। जब पिघली हुई धातु दोस्तों फिलर मेटल भी और आपके जो जॉब की पीस है वो भी मिल जाते हैं आपस में और ठंडा होने पर जो है जॉइंट पक्का हो जाता है, ठीक है। यह वेल्डिंग करने से मुख्यतः मेटल के किनारे अच्छी तरह से तैयार करने चाहिए। जब भी आप वेल्डिंग कर रहे हो तो उसके किनारे को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए, जो भी एंगल में आपको वेल्डिंग करनी है उसको अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से मुख्य मेटल का फिलर मेटल में फ्यूज़न हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है मुख्य मेटल यानी जो आपका बेस मेटल है यानी जिसपे जॉब जो आपकी जॉब है और फिलर मेटल का फ्यूज़न हो जाता है यानी आपस में दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। फ्यूज़न वेल्डिंग निम्नलिखित विधियों से वेल्डिंग की जाती है। फ्यूज़न वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियाँ हैं जो दोस्तों गैस वेल्डिंग आती है आपकी सबसे ऊपर, फिर आर्क वेल्डिंग आती है, फिर थर्मिट वेल्डिंग आती है, फिर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग आती है, ठीक है। तो दोस्तों ये चार टाइप्स होते हैं फ्यूज़न वेल्डिंग के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी है जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।